अभी से आगे नेक्स्ट बताए और अभी जबलपुर की बहुत सारी बातें होंगी। हमारे सबसे लॉन्गेस्ट स्टूडेंट टॉलेस्ट स्टूडेंट ठीक है बताइए, ये विस्तार के सबसे भी लंबे स्टूडेंट है, इनको बुर्ज खलीफा भी दिया कहा जाता है। आप बुर्ज खलीफा यही देख सकते हैं ठीक है। बताए मेरा नाम आशुतोष सिंह राजपूत है, अभी मैं रिसेंट में ग्रेजुएशन कम्प्लीट हुआ बीकॉम से। मुझे कोडिंग का इंटरेस्ट था इसलिए मैंने यहाँ पर वेब डिजाइनिंग का कोर्स ज्वाइन किया क्योंकि बिगिनिंग प्लेटफॉर्म चाहिए रहता है और मुझे एक लैंग्वेज में नहीं मुझे सारी लैंग्वेज का इंटरेस्ट है। तो अभी मैंने PHP से नॉर्मली स्टार्ट किया है डेवलपमेंट का काम और आगे जाके पाइथन और जितने भी एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस है उन सब में कम्बाइन हुआ है। तो आपको ये स्वतः ज्ञान हुआ कि किसी से आपने गाइडेंस लिया कैसे ही हुआ? स्वतः ज्ञान हुआ। अगर मैं इंजीनियरिंग लेता तो मैं अपनी ये जो अकाउंटिंग फील्ड में मेरे को इंटरेस्ट है इसकी पढ़ाई नहीं हो पाती। अच्छा। इसलिए मैंने कॉमर्स लिया बीकॉम से किया ग्रेजुएशन क्योंकि मुझे पूरा इस फील्ड का नॉलेज चाहिए था और मेरी लैंग्वेज वगैरह एक्स्ट्रा में हो सकती है। और आप कितना पैकेज की अभी उम्मीद कर रहे हैं और क्या आप युवाओं को कहना चाहते हैं कि करना क्या चाहिए उनके हिसाब से बेरोजगारी से बचने के लिए? बिगनिंग में तो सर्वाइवल पैकेज चाहिए रहेगा ठीक है 15 से 20 में ठीक है। और अगर मेरे पास इन फ्यूचर ऑप्शन रहेगा तो मैं मिनिमम 50 to 60 में जाना चाहूंगा क्योंकि इससे कम मेरे पास फार्मिंग में इनकम है। अच्छा अच्छा। मेट्रोपॉलिटन हाईटेक सिटी में निकल जाओ तो 50-60 में से 4 गुना पैसे मिलते हैं। हाईटेक सिटी में निकल जाओ हैदराबाद बेंगलोर पुणे जाओ सब है पहुंचो तो एक बार वहां तो मैंने पैसा झड़ते देखा नहीं। 3 दिन में मुझे समझ में आ गया क्या हैदराबाद क्या है जबलपुर। 3 दिन में था 3 दिन के बाद ऐसा नहीं कि हैदराबाद जाके पेड़ लाओ कोई वहाँ पेड़ लगाओगे तो तमिल लोग बढ़ जाएंगे क्योंकि वो प्रेमी है नेचर प्रेमी है पेड़ काट नहीं देते सर ने बोला ना पैसा झड़ता तो वहाँ जाके पेड़ लगाया तमिलों ने काट लिया। चलिए आइए आप विनेश जी बताइए आप क्या करना चाहते हैं क्या कहना चाहते हैं और एक मैसेज भी आप दीजिएगा क्योंकि आप सबसे एक्टिव इस समय वेबसाइट डिजाइनिंग में है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अभी मेरा नाम विनेश है तो अभी मैं अपना रिसेंट थोड़ा बताता हूँ पास्ट में सेल्स मार्केटिंग किया था और मुझे छोड़ने का रीजन ये था उसमें सिक्योरिटी नहीं पहला क्योंकि तो अगर आप सेल्स मार्केटिंग में तो आपके जो हेड्स होते हैं जितने भी हेड होते हैं वो आपको दबाने की ज्यादा कोशिश करते हैं क्योंकि उसमें इंसेंटिव्स के कारण ही मैनेजर्स लोग आपको दबाएंगे। अगर आपकी 20,000 सैलरी है और इंसेंटिव में अगर आपको वही चीज 40,000 के क्रॉस जा रही है तो आपको ऊपर वाले बहुत ज्यादा दबाया जाएगा आपकी जो 20 है 30 तक ही जा पाएगी। आपको पता है अगर आपको उस मंथ 50 बन रहा है ना तो वो 30 मिलेगा। अगर आप MNCs कंपनी में सेल्स की काम करते हो तो आपको 50 और इसके अराउंड चला जाएगा क्योंकि वहाँ पे बंदी पेमेंट होती है और डेटाबेस के थ्रू आपका इनकम जनरेट होती है। तो मेरे को अभी सिक्योरिटी इसलिए नहीं थी क्योंकि मैं जहाँ काम कर रहा था वो इंसेंटिव बेस पे काम कर रहा था और टारगेट अचीव करना बहुत जरूरी होता है सेल्स में। और बात करते हैं अभी जो मैं फील्ड चुना वो वेब डिजाइनिंग की है तो अभी मैं यहाँ फुल स्टैक वेब डेवलपिंग का काम मतलब सीख रहा हूँ अभी तो काफी सारे इंटरव्यूज दे रहा हूँ और कई लोगों की मेंटेलिटी होती है जबलपुर में अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो या कुछ भी BCA या कुछ भी ऐसा कोर्स किया हो जिससे आप कंप्यूटर लाइन में जाना चाहते हो वेब डिजाइनिंग हो गया पाइथन डेवलपमेंट में चले गए या किसी में भी चले गए तो जबलपुर की एक मेंटेलिटी होती है हमें इतनी ही सैलरी चाहिए इसके अराउंड हम कोई जॉब नहीं करेंगे। पहली मेंटेलिटी हर किसी की होती है अगर 20,000 की वो सोच के रखा है क्योंकि ये लोग जैसे बीटेक कर इंजीनियरिंग वाले हो तो 5-5 लाख रुपए लगा देते हैं अपनी पढ़ाई में फिर वो चाहते हैं कि मुझे 30,000-40,000 की जॉब मिले तो ऐसा हर चीज नहीं होती क्योंकि अगर आपके पास स्किल है तो आपको 70,000 की भी जॉब मिल जाएगी। स्किल नहीं है ना तो वो आपको 5,000-10,000 के ऊपर पढ़ने भी नहीं देगी तो जब तक आप अपनी स्किल पे काम नहीं करोगे ना तो आपकी सैलरी इंक्रीजिंग या नहीं होगी। ऐसा जबलपुर अगर आप जबलपुर में वर्किंग ढूंढ रहे हो वेब डिजाइनिंग की तो आपको अराउंड 10,000 के अराउंड मिल सकती है 10-12 इससे ज्यादा कोई देगा नहीं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो हो सकता है आपकी सैलरी 18 या 15 तक भी चली जाए लेकिन वहाँ पे भी आपको एक्सपीरियंस मतलब टाइम देना ही पड़ेगा वहाँ पे। और बात करते हैं फिर मैं